अभी जो आप लोकसभा की बात करने गए हैं अचानक से, ये कौन सी बात हुई? जब अब चुनाव का वक्त आ गया तो आपको गलती का एहसास भी होने लगा, आप अचानक से जातीय जनगणना के बाद अपना अधिकार मांगने लग गए हैं, आपके आपको लगता है कि अब हमें आबादी के हिसाब से भी अब हमारा ही हक बनता है यहाँ पर। हम चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कि हम राजनीति परिवार से हैं, हमको मधुबनी लोकसभा से उम्मीदवारी बनाया जाए और हम चुनाव जीत के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के झोली में देंगे। कि फैया साहब हमारे बड़े भाई कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। आप जब उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था, आप उस समय में आप कवर कर रहे थे उनकी घटना, उनके यहाँ जब ईडी का छापा पड़ा था, तो उस समय में फैयाज भाई जो हमारे गार्जियन हैं, कल भी गार्जियन थे आज भी यहाँ रहेंगे, उनके उस समय में अगर किसी प्रकार की ईडी का छापा पड़ा तो आप देखे थे कि सबसे पहले मोर्चा असलम अंसारी संभाले थे, एक चट्टान के तरह उनके लिए खड़े थे कि नहीं इनके यहाँ नहीं। और उसके बाद जब तक ईडी गया नहीं तब तक हम भूखे प्यासे वहीं थे। हमारे ऊपर मुकदमा हो गया था जिसके कारण हम किसी प्रकार का बयान या पार्टी से माफी नहीं मांगे थे। जितना फैयाज भाई साहब को तकलीफ है उससे ज्यादा हमको तकलीफ हुआ था कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जो पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी हुआ था, नहीं होनी चाहिए। आपने करवाया था पत्थरबाजी? कौन कहेगा, आपको पता नहीं। अगर कोई वो वीडियो वायरल किया है तो उस वीडियो में मेरा पूरा वीडियो को नहीं दिखाया गया है। आप ये पूछ सकते हैं जिस फैयाज साहब के लिए हम अपना सीना आगे किए हुए थे प्रशासन से गोली खाने के लिए, उसके यहाँ हम इस तरह का बात कैसे करते, ये समझ में नहीं आया। समीर महाशेर जी से है शिकवा, शिकवा है उनसे, इसलिए शिकवा है कि उनके भी चाहने वाले जो लोग थे अगर वो चुपचाप रहते तो हमको तकलीफ नहीं होता। उनके जितने भी कार्यकर्ता थे जो मेयर के चुनाव लड़ रहे थे, एक हमारे भाई उनका जितना वर्कर था उनके साथ था, इसका यह मतलब होता है कि वो उनके सहयोगी थे। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और हमारे साथ आज खास मेहमान असलम अंसारी साहब हैं। आप तमाम लोग इस चेहरे से चर्चित होंगे। असलम अंसारी साहब ने अभी हाल ही में हुए मधुबनी नगर निगम चुनाव में भी एक कैंडिडेट की तरह थे ये, और आपको मालूम है कि उन्होंने जो है वो दूसरा स्थान अपना बनाया था और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने चुनाव को लड़ा। और पूर्व में भी ये विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, इनके वालिद साहब खुद सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। और आज हमारे साथ असलम अंसारी साहब हैं। हमने आपको चंद दिनों पहले एक खबर जो है सूत्रों के हवाले से दिया था, जिसमें हमने ये दावा किया था कि आने वाले वक्त में असलम अंसारी जो है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। हमने ये बात क्यों कही थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक रिपोर्ट जारी करवाया जिसका नाम जातीय जनगणना था। जातीय जनगणना की रिपोर्ट के बाद सियासी जो मामला थे बिहार में, अलग अलग हिस्से से, अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें सामने आने लगी। इस बीच एक बात ये भी सामने आने लगी कि हो सकता है कि मधुबनी लोकसभा से असलम अंसारी चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ असलम अंसारी साहब हैं, हम सीधे इनसे बातचीत करेंगे और आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर के, और सबसे बड़ी बात इनके पूर्व में लड़े गए चुनाव पर, हम तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे और पूरी डिटेल जानकारी लेंगे कि आखिरकार अब इनका आगे का क्या प्लान है और पीछे जो कुछ हुआ है उसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है, इसलिए कि आपने हम जैसे समाज में रहने वाले कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल होने वाले एक कार्यकर्ता को आपने अपने स्टूडियो में बुलाने का काम किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगा वो ये कि खबरें तो अब आम हो रही हैं कि असलम अंसारी साहब लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, कितनी सच्चाई है इस पर? नहीं, इसमें पूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई इसलिए है कि जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट शाया हुआ उसके बाद आरक्षण का भी रिपोर्ट जाहिर हुआ कि आरक्षण बढ़ाया गया, और माननीय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय लालू प्रसाद जी ने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ से हो गया, आपको तो पार्टी ने नहीं, हमको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया था, हमको पद नहीं, ये राष्ट्रीय जनता दल के कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जो पार्टी से कभी उनका लगाव नहीं रहा, पार्टी कमजोर कैसे हो इसके बारे में कुछ लोग ऐसे जिला में है जो पार्टी को कमजोर करने के लिए लगे रहते हैं, मजबूत करने के लिए नहीं रहते हैं, ऐसे ही लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। उन लोग से मांगिए कि असलम अंसारी को कब पार्टी से हटाया गया, 28/6/2023 को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगतानंद बाबू जी ने एक पत्र निर्गत किए थे जो असलम अंसारी पार्टी के खिलाफ और नेता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए हम उनको पद से प्रधान महासचिव जो जिला के हैं बने हैं उनसे हम हटाने का काम करें, ना कि पार्टी से। तो उस पर भी हम अपने साथियों से आपके स्टूडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि 25/4/2023 को अधिसूचना जारी हुआ था प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि असलम अंसारी को राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रधान महासचिव के पद पर मनोनीत किया जाता है 25/4 को। अच्छा, और मैंने प्रदेश अध्यक्ष को 28/4 को, 25/4 को, 28/4 को, 25/4 को लेटर हुआ, अधिसूचना जारी हुआ कि बनाया गया, 28/4 को हम प्रदेश अध्यक्ष को लेटर भेज दिए कि हम अपने पद से त्याग पत्र दे रहे, पार्टी में बने रहे। तीन दिन के बाद हमने दे दिया, ठीक। उसके बाद 28/6 तक हमको किसी प्रकार का लेटर प्राप्त नहीं हुआ कि आप जो त्याग पत्र दिए हैं वो अस्वीकृत किया जाता है, आप पद पर बने रहेंगे, इस तरह का हमको लेटर कभी नहीं मिला। तो हम अपने आप को तो सोच रहे थे कि हम पद मुक्त हैं, पद पर है, पार्टी में बने हुए थे शुरू से। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय किस मजबूरी पर, किसके कहने पर इस तरह के लेटर लिखे, वो तो आप ये हम आपने क्या मजबूरी थी तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जाना, आपने चुनाव लड़ा जी जी, अभी हाल में जब मेयर मेयर चुनाव के बाद आप हार गए जी, आप हारे और आपने एक भाषण दिया, उससे पहले एक सांसद साहब के घर पे जो है पत्थरबाजी हो गई और बहुत सारी खबरें सामने आई। उसके बाद आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ, हम लोगों ने भी उसे प्रकाशित किया और मुझे लगता है तमाम मीडिया चैनल जो थे उन लोगों ने ये कवर करना शुरू किया कि राजद में रहने वाले एक नेता जो कि मेयर का चुनाव लड़े और हार की बौखलाहट में उन्होंने यहाँ के एक मंत्री को एक सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके पीछे की क्या वजह थी, आपने ऐसा क्यों किया और क्या आपको उस बात का अफसोस होता है कि शायद वो बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि फैयाज साहब हमारे बड़े भाई कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। आप जब उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था आप उस समय में आप कवर कर रहे थे, बिल्कुल उनकी घटना, उनके यहाँ जब ईडी का छापा पड़ा था तो उस समय में फैयाज भाई जो हमारे गार्जियन हैं, कल भी गार्जियन थे आज भी यहाँ रहेंगे, उनके उस समय में अगर किसी प्रकार की ईडी का छापा पड़ा तो आप देखे थे कि सबसे पहले मोर्चा असलम अंसारी संभाले थे, बिल्कुल थे, जबकि उनके उनके उस समय में जब असलम अंसारी एक चट्टान की तरह उनके लिए खड़े थे कि नहीं इनके यहाँ नहीं, और उसके बाद जब तक ईडी गया नहीं तब तक हम भूखे प्यासे वहीं थे। हम चुनाव हारे, हमने आक्रोश में कि हम बोले कि हमको पार्टी के उम्मीदवार को हराना है, हम दो नेताओं के खिलाफ जो बात कहे थे उस बात को इससे पहले जो चैनल हमसे लिए हैं उस बात को हम आपके चैनल माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, युवा सम्राट बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से जो पार्टी के बारे में हम खिलाफ बोले थे मेयर मेरा जो, उस बात को हम वापस लेते हैं और ये भी कहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि चुनाव रिजल्ट परिणाम आने के बाद एक सप्ताह के बाद मेरे यहाँ जिला के लोगों का, नगर के लोगों का,
पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मधुबनी लोकसभा के जनताओं का हमारे यहाँ इतनी भीड़ हो गई और वो लोग आके बैठ गए सुबह सुबह, तो हमको आश्चर्य हुआ कि क्या बात है इतने लोग आ गए हमारे यहाँ। तो उन लोगों ने एक ही शब्द में कहा कि आप पहले राजनीति जो कहें कि हम नहीं करेंगे उस बात को आप पहले मीडिया से वापस लीजिए। तो हम लोग उस समय भी चाहे कि आप लोग को इंटरव्यू दे दें कि हम राजनीति जो कहे थे और पार्टी के खिलाफ जो बयान दिए थे हम उस समय में भी चाह रहे थे कि वापस लें, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा हो गया था जिसके कारण हम किसी प्रकार का बयान या पार्टी से माफी नहीं मांगे थे कि हमसे गलतियां हो गई आक्रोश में। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आपकी प्रेस के माध्यम से मैं उस दोनों बात को वापस लेता हूं। और रहा फैयाज भाई साहब के यहाँ जो घटना हुई थी, जितना फैयाज भाई साहब को तकलीफ है उससे ज्यादा हमको तकलीफ हुआ था कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जो पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी हुआ था, नहीं होनी चाहिए। नहीं करवाया था पत्थरबाजी, कौन कहेगा, आपको पता नहीं, अगर कोई वो वीडियो वायरल किया है तो उस वीडियो में मेरा पूरा वीडियो को नहीं दिखाया गया है। हम आपको माध्यम से कहना चाहेंगे ये कहीं ना कहीं विपक्षी का लोगों का हाथ था जो पूरे वीडियो को नहीं दिखाया गया। वीडियो पूरा अगर दिखाता उसमें सार्वजनिक था कि आप लोग किसी प्रकार का कोई काम नहीं करें जो हमारे राजनीतिक छवि पर आ पड़े। उस वीडियो सबको नहीं दिखाया गया है, काट छांट के दिखाया गया है। आप ये बुझ सकते हैं जिस फैयाज साहब के लिए हम अपना सीना आगे किए हुए थे प्रशासन से गोली खाने के लिए, उसके यहां हम इस तरह का बात कैसे करते, ये समझ में नहीं आया। हम तो उसी समय में निंदा व्यक्त करते, लेकिन मेरे ऊपर एफआईआर हो गया था, हम भागे रह फिरते थे इसलिए कि प्रशासन मेरे यहाँ रेड कर रहा था। आपके यहाँ मीडिया में आपके यहाँ भी आते प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ के भी प्रशासन हमको गिरफ्तार कर सकता था। इसीलिए मैं फैयाज भाई को भी कहना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो आपका छोटा भाई आपके यहाँ जब ईडी का छापा पड़ा था तो गोली खाने के लिए तैयार था, तो इस तरह का घटना आपके लिए जो है कभी नहीं करता और ना आगे करेगा। और कभी भी इस भाई की आपको जरूरत पड़ेगी तो कोई बिस्फी और कहीं के लोग आपके लिए खड़े नहीं रहेंगे। आप अपने छोटे भाई असलम अंसारी को एक बार याद कर लीजिएगा, अपने काफला के साथ आपके हिफाजत के लिए, आपके सुरक्षा के लिए, आपको मदद करने के लिए तैयार रहेगा। चलिए, तो ये आपने बिल्कुल साफ कर दिया है कि फैयाज साहब से आपका कोई गिला शिकवा नहीं। कोई गिला शिकवा कल भी नहीं था ना आज है। मंत्री जी हमारे यहाँ के समीर महासेठ, देखिए समीर महासेठ जी से है शिकवा, शिकवा है उनसे, इसलिए शिकवा है कि उनके भी चाहने वाले जो लोग थे अगर वो चुपचाप रहते तो हमको तकलीफ नहीं होता। उनके जितने भी कार्यकर्ता थे जो मेयर के चुनाव लड़ रहे थे, एक हमारे भाई उनका जितना वर्कर था उनके साथ था, इसका ये मतलब होता है कि वो उनके सहयोगी थे, तब ना उनके वर्कर साथ थे उनके, उनसे थोड़ा है हमको शिकवा। लेकिन फिर भी वो विधानसभा में अगर चुनाव लड़ने के लिए आएंगे पार्टी से तो पार्टी के नाम पर उनको कल भी मदद किए थे और आज भी करेंगे, उस समय भी करेंगे पार्टी के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर नहीं। इसलिए नहीं करेंगे हम, अगला बार भी आपको बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के हम कितने मजबूत सिपाही हैं, बहुत यहाँ एमपी बने, एमएलए बने, एमएलसी बने, लेकिन वर्कर को बैठने के लिए कभी कोई स्थान नहीं दिया। मात्र 2005 में हम चुनाव लड़े थे दो बार, उसके बाद वर्कर कहाँ बैठे, कार्यालय कहाँ खुले, किसी को चिंता नहीं था, लेकिन असलम अंसारी को चिंता था। ऑफिस वगैरह कुछ हमने पूर्व में भी, मेयर चुनाव से पूर्व में भी मैं कार्यकर्ता को बैठने के लिए कार्यालय दिया था, किसी से छिपा हुआ नहीं, जिला के एक एक कार्यकर्ता को पता। राम बहादुर यादव जी जब अध्यक्ष जिला अध्यक्ष थे उनको भी मैं कार्यालय खुलवाने का काम किया, देने का काम किया। सुरेश चंद चौधरी जी जब अध्यक्ष बने उनको भी हम कार्यालय देने का काम किया। मात्र हम चुनाव लड़े थे, इसलिए हम सिपाही हैं राष्ट्रीय जनता दल का,
हाँ मतलब आपका तो मानते हैं कि 2005 से आप एक्टिव रहे, उससे पहले से ही आप एक्टिव थे, आपने चुनाव लड़ा, आपको टिकट भी मिला। अभी जो आप लोकसभा की बात करने लगे हैं अचानक से, ये कौन सी बात हुई? जब अब चुनाव का वक्त आ गया तो आपको गलती का एहसास भी होने लगा, आप अचानक से जातीय जनगणना के बाद अपना अधिकार मांगने लग गए हैं, आपके आपको लगता है कि अब हमें आबादी के हिसाब से भी अब हमारा ही हक बनता है यहाँ पर रहने का। जबकि मीडिया में जो खबरें हैं और जो कहा जा सकता है कि मीडिया की जो सूत्र जो कहा जा सकता है, मीडिया का जो सूत्र होता है, जिस सूत्र से हमने ये खबर चलाई कि भैया असलम अंसारी साहब लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, वही सूत्र ये भी बताता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को यहाँ से टिकट मिल सकता है। देखिए सब सुनो सुनो, पहले आप बोले ना एक बात, हम तो कह दिए हैं कि मेरे ऊपर FIR था, हम उस समय में गलती मानने के लिए तैयार थे, इससे पहले हम बोले हैं। अभी नहीं, अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है इसलिए नहीं, मेरे ऊपर FIR नहीं होता तो उस समय में ही आके हम पार्टी के नेताओं से, अपने गार्जियन जो पार्टी के नेता हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगतानंद बाबू जी से हम उसी समय में आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी चैनल के माध्यम से, उसी समय में हम माफी मांगते हैं। उस समय मेरे ऊपर FIR हो गया था, हम 2 महीना इधर से उधर भागते रहे, बेल कराए, फ्री हुए, जनता से भेंट घाट किए, जब लोग आ गए भेंट घाट किए, 1 सप्ताह तक किसी प्रकार का मेरे यहाँ रेड नहीं हुआ था। उसी बीच में जनता लोग आए थे और उसी बीच में जनता का इतना दबाव हुआ, हम बोले ठीक है हम PC करके लोगों को कह देंगे, उसके बाद मेरे यहाँ रेड होना शुरू हो गया, हमने अपने आवास को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। अब रहा कि आप उम्मीदवारी की पेश कर रहे हैं, हम तो जुनून उम्मीदवारी है, जुनून उम्मीदवारी दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं जुनून उम्मीदवारी कि अभी जो नीतीश, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी, जो जातीय जनगणना रिपोर्ट जो किए हैं, रिपोर्ट लागू किए हैं, सार्वजनिक किए हैं कि फना अति पिछड़ा मुसलमान की आबादी इतना, अंसारी की इतना, मंसूरी की इतना, रायन की इतना, अल्पसंख्यक में इतना, मतलब सभी को मिला के जो किया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी हक बनता है। एक इस हैसियत से बनता है, अभी जो हुआ है जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का भी रिपोर्ट जाहिर हो गया, उसमें भी राजनीति में भी और रोजी रोजगार में भी आरक्षण होना चाहिए। लालू जी भी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी भी बोले थे राजनीति में रोजगार में जो है आरक्षण के हिसाब से, तादाद के हिसाब से हम भागीदारी देंगे, तो उस हिसाब से भी मेरा हक बनता है। एक पहला हक बनता है कि मेरे पिताजी स्वर्गीय शफीकुल्ला अंसारी साहब 1980 में यहाँ से सांसद बने थे, एक मेरा दावा वहाँ है कि मेरे पिताजी MP रहे हैं। 1984 में मेरे फूफा MP रहे हैं, मेरे परिवार से दो दो लोग रहे हैं। मेरे फूफा, हमारे पिताजी के इंतकाल के बाद, देहांत के बाद मेरे फूफा MP बने थे, 84 में बने। बीच में राजनीति हमारे परिवार में कोई करने वाले नहीं थे, तो उसमें कि नहीं सपोर्ट किया जाएगा कि आप कैसे कैसे अभी जो राजनीति हो रही है परिवारवाद ही। अभी हुकुमदेव नारायण यादव जी हट गए हैं तो बेटा को चुनाव लड़ा है कि नहीं लड़ा है, कैसे नहीं परिवारवाद है? हक की बात हो रही ना, यहाँ तो हम कह रहे हैं कि हमारे अगर मेरे पिताजी रहते तो हम क्यों आते हैं, क्यों कहते कि हमको लोकसभा की टिकट दीजिए, नहीं ना कहते। मेरे पिताजी नहीं है, मेरे फूफा नहीं है, तो मेरा घर रहा है, पृष्ठभूमि राजनीति रहा है मधुबनी लोकसभा, तो हम तो अपना हक मांगेंगे ना। दल में हम एक सिपाही के रूप में काम किए हैं, कोई भी अगर सिपाही कोई काम करता है तो उसको वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमको 2000 में टिकट मिला था, उसके बाद आज तक इस तरह का हमको कोई पद नहीं दिया गया जो सरकार बनने के बाद भी, जिससे जिस उम्मीद के साथ समाज हमारे और कार्यकर्ता मेरे साथ मेरे हमसे उम्मीद बनाए हुए, उस चीज को अगर हमको किसी प्रकार का पद करके काम नहीं कर पाए कभी, पार्टी की हैसियत से कहा जा सकता है, पद पर रहे नहीं, पद पर रहे, सरकार भी विरोध में रहे तो उस समय में। लेकिन जब सरकार बनी, जब मौका मिला गया, सरकार अभी हमारे सरकार में भागीदारी, हम लोग हिस्सेदारी है, अच्छा ये तो हमने ये देखा कि हक मांगनी चाहिए, मांगने से ही मिलेगा, अगर नहीं मांगेगा तो नहीं मिलेगा। और यहाँ का इतिहास रहा है कि मांगेंगे तभी मिलेगा, मांगेंगे मिलेगा, और इतिहास भी रहा है कि जो लोग लोकसभा मधुबनी लोकसभा में
लोकल उम्मीदवार खड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे पिताजी हो, हन्नान साहब हो, चतुरानंद मिश्र हो, भोगिंदर झा हो, उस डॉक्टर शकील साहब हो, वो लोग चुनाव जीते हैं, हार के भी फिर पुनः जीते हैं। लेकिन बाहरी उम्मीदवार जो आ जाते हैं, वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के तरह ऐसे गायब हो जाते हैं कि कभी उनको मधुबनी से कोई लेना देना है ही नहीं। यही कारण है कि वर्कर में देख आक्रोश बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कि हम राजनीति परिवार से हैं, हमको मधुबनी लोकसभा से उम्मीदवारी बनाया जाए और हम चुनाव जीत के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के झोली में देंगे। और जो भी मेरे वालिद स्वर्गीय शफीकुल्ला अंसारी साहब का जो अधूरे सपने थे, लोगों ने जो उम्मीद लगाए हुए थे, हम उसको मतलब जनता की उम्मीद को जो है पिताजी के सपनों को हम साकार करें। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है आपकी मांग है, लेकिन अभी जो चर्चाएं हैं अगर उसको देखा जाए तो मान लेते हैं कि आपको टिकट नहीं मिला, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि टिकट नहीं मिला, सिद्दीकी साहब को मिल गया, आप क्या करिएगा? सबसे पहले सुनिए ना, हम बता रहे हैं आपको, अभी किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ। मान लेते हैं कोई भी दूसरा चेहरा हो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मान लीजिएगा? मैथ नहीं है ना जो मान लीजिएगा, मादा बना के बना दीजिएगा मान के, सो नहीं ना है जी। नहीं, अभी किसी प्रकार का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ। घोषित होगा तब ना, कोई उम्मीदवार घोषित नहीं है। नहीं, अगर घोषित होता नहीं नहीं लड़िएगा चुनाव बाद में, अगर नहीं सुन लीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर मेरे साथ, अभी तो हम पार्टी में बने हुए हैं, पार्टी का क्या निर्णय होता? पार्टी में है, पार्टी में है, पार्टी का क्या निर्णय होता है? निर्णय के बाद ही फिर हम आपसे फिर इसी स्टूडियो में बैठेंगे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पार्टी का कुछ काम वाम कर रहे हैं या फिर अभी हम ये है, जितना हम रहते हैं 24 घंटा जन्द पार्टी के क्या चाहिए? कि जो गरीब गुरबे हैं, जो परेशान हाल हैं, किसी को जिला में किसी प्रकार की जरूरत है तो उसके सेवा में रहना। असलम अंसारी जिला के किसी भी वर्ग के लिए 24 घंटा एक सिपाही के तरह, एक चौकीदार के लिए तरह जो है खड़ा रहता है उनको काम कराने के लिए। तो ये हमारे साथ असलम अंसारी साहब थे और आप तमाम लोगों ने इनकी तमाम बातों को सुन लिया है, इन्होंने सारी बातें क्लैरिफाई की। हमने इनके फादर से के जो इनके फादर का जो वक्त था 1980 में के आसपास उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद इनके चचा ने चुनाव लड़ा, उनके बाद इन्होंने खुद भी चुनाव लड़ा। आपको बता दें कि एक दफ़ा सांसद अब्बू रहे, इनके चचा रहे, उसके बाद इन्होंने भी चुनाव लड़ा, लेकिन उस वक्त चुनाव में ये कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अभी एक दफ़ा फिर से इन्होंने ये दावा किया है कि लोकसभा में इन्हें टिकट मिलना चाहिए। वजह इन्होंने ये बताई कि एक तो राजनीतिक परिवार से ये रहे हैं, दूसरी बात कि लगातार ये पार्टी के लिए काम करते रहे। हाल में चुनाव हुआ नगर निगम का, उसमें भी इन्होंने अपनी जो है भागीदारी जताई थी, लेकिन लोगों ने इन्हें उस वक्त नहीं चुना और उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ। उन विवादों पर तमाम जो बातें कही जा सकती थी इन्होंने वो तमाम जवाब दिए हैं, चाहे वो पार्टी के खिलाफ कही गई बात हो, पार्टी के नेता के खिलाफ कही गई बातें हों। आज इन्हें ये बात लगता है और आज इन्हें इस बात का एहसास है कि शायद जो कुछ बातें कही गई थी वो अनजाने में कही गई, या फिर कहा जा सकता है कि किसी प्रेशर में इन्होंने वो बयान दे दिया। लेकिन अभी जो बातें हैं वो ये है कि आने वाले वक्त में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, इंडिया महागठबंधन के तहत अगर चुनाव होता है और यहाँ पर अगर सीट राजद कोटे में जाता है तो इनकी ये दावेदारी है कि वो टिकट मुझे मिलनी चाहिए। वजह इन्होंने साफ साफ बता दी। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में चुनाव किस चुनाव जब होता है उससे पहले जब टिकट की दावेदारी सामने आती है तब राजनीतिक दल किन्हें टिकट देती है। हालांकि आपको बता दें कि असलम अंसारी साहब लगातार आरजेडी के कैंडिडेट रहे थे और एक खबर जो सुर्खियों में हमेशा बनी रही वो ये नगर निगम चुनाव के बाद कि असलम अंसारी साहब को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये बात साफ साफ कही और इन्होंने वो लेटर भी हमें पेश किया था, हमें दिखाया था, जिसमें ये बात साफ साबित होता है कि इन्हें पार्टी से कभी निष्कासित नहीं किया गया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस पद पे इन्हें बिठाया गया था उससे इन्हें हटाने की बात कही गई। हालांकि इनका ये भी कहना है और इनके पास उसका भी लेटर है कि जिस पद पे इन्हें रखा गया उससे 3 दिन बाद ही इन्होंने उससे रिजाइन दे दिया था, तो
तो उस लेटर का भी कोई खास मायने मतलब नहीं बनता है। अब या तो वो आला कमान ने किसी प्रेशर में किया या उसकी क्या कुछ वजह है वो वही लोग जानते हैं। 2024 में ये लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर मधुबनी से पेश होने वाले हैं। आप तमाम जनता जनार्दन का इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या कुछ सोचना है। क्या आपको लगता है कि जो बिहार के दल के जो नेता हैं, आरजेडी दल के जो नेता हैं, चाहे वो लालू प्रसाद जी हों या तेजस्वी जी हों, जगदानंद बाबू हों, इन तमाम लोगों को क्या मधुबनी से एक दफा फिर असलम अंसारी पर यकीन जताते हुए इन्हें लोकसभा का टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आजाद हैं। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम लगातार इनसे फिर रूबरू होते रहेंगे। वक्त के साथ क्या कुछ इनके तरफ से बयान आएगा हम आप तक पेश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।